ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट होता है एज प्रॉब्लम का। अरे फादर की एज 20 है और बेटे की 0 है, यानी 20 साल का था तो बेटा पैदा हुआ। तो बाप और बेटे का जो एज डिफरेंस है वो तो हमेशा ही रहेगा 20। बाप 21 का, बेटा 1 का, बाप 22 का, बेटा 2 का, वाइफ 24 का, बेटा 4 का, बाप 30 का, बेटा 10 का, बाप 40 का, बेटा 20 का। लेकिन फ़र्क आता है, फ़र्क क्या आता है? अब देखो, जब बेटा 1 साल का है, बाप 21 का है, तो दोनों में कितने टाइम्स का फ़र्क है? 21 टाइम्स का। जब बाप 22 का, बेटा 2 टाइम का है, तो 20/2 11 टाइम्स का फ़र्क है। जब बाप 24 है, बेटा 4 है, तो 6 टाइम का फ़र्क है। जब बाप 30 है, बेटा 10 है, तो 3 टाइम्स का। जब बाप 40 है, बेटा 20 है, तो 2 टाइम्स का। ये हो गया टाइम्स का फ़र्क, और यहाँ हो गया एज डिफरेंस। तो ये कॉन्सेप्ट पहले तो क्लियर होना चाहिए। सवाल आता है,